सियालम मरवान, मिस्टर रवि कुमार भगत, स्टेट। यस क्या था लॉर्ड योर स्टडीज मैटर रिक्रूटमेंट माय लॉर्ड दी रिलैक्सेशन वाज गिवन ऑर्डरली यस, द बताइए क्या हुआ इसमें। और आई ट्राई टू सीक इंस्ट्रक्शंस, वो कुछ आए नहीं है। यस्टरडे आई टॉक टू द ऑफिसर्स एंड इट वाज टोल्ड टू मी दैट देयर इज अ प्रोविजन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड ये जो उसमें होम डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उसमें प्रोविजन है कि कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं एंड कौन से रूल से बताइए, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ रूल 2007। छूट देने हैं तो पुलिस महानिदेशक को अधिकृत किया गया है। इसका मतलब नहीं है कि वो अपने मन से जैसा चाहेंगे वैसे रूल्स बनाएंगे। रूल 9(5) पढ़िए, इसमें दिया हुआ है, ये तो गलत है। हाँ जी रूल्स वगैरह हैं, सब यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी के ऊपर बराबर एप्लीकेशन हो। अब वो अपने लोगों के लिए उन्होंने बना लिया कि अपने लोगों को बेनिफिट मिल देंगे जो पुलिस में है, बाकी लोगों को नहीं देंगे। क्यों ऐसे रूल्स बनाए हैं? इफ आई मे प्रे फॉर आई विल बिकॉज़ स्टे दिस एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, एक के कारण सबके जाएगा। वो दे आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे माय लॉर्ड। 10 को फिजिकल इसमें एग्जाम भी होना है माय लॉर्ड। नहीं, कोई कुछ क्या कर रहे हो, आप करेंगे भी क्या? अगर मान लीजिए आपने इंस्ट्रक्शन ले भी लिया तो क्या बताएंगे आप? आप यही बोलेंगे कि रूल्स के हिसाब से पुलिस महानिदेशक ने लिया है, कमेटी बनाई, रूल्स बना दिया, अब उनको फॉलो कर रहे हैं, यही बताएंगे आप? हम इनके इनको नहीं देंगे बेनिफिट, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये रूल्स पर से इलीगल है। ऐसे रूल्स आप मतलब पुलिस वाले नहीं बना सकते कि अपने बेनिफिट के लिए रूल बना लें। कितने पुलिस वाले हैं यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में बताइए, अंदाज से बताइए कितने होंगे, आइडिया कोई? 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, कितने होंगे, कितने होंगे? और एक भी 40-50 हज़ार होंगे ना। उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है 40-50 हज़ार लोगों को, जो जनरल पब्लिक है छत्तीसगढ़ की उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब पुलिस अपने फायदे के लिए पूरे रूल्स बना लें, उनके पास पावर है तो दे आर मिस यूजिंग देयर पावर कि अपने बेनिफिट के लिए जो उनके डिपार्टमेंट है उनके लिए वो बना दें, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी जो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता है उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इस तरह के रूल्स बनाने का पावर तो आर्बिट्रेरी है ये। नए नए रूल्स है, उनको पावर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि अनब्रिंडल्ड पावर कि जो भी चाहे महानिदेशक जो चाहे वो कर दे, कि जो एसपी का बेटा है उसको मिलेगा रिजर्वेशन और जो पुलिस वाले का टीआई का बेटा है उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये क्या रूल्स हुए मैडम? ये द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर्सुएंट टू एडवर्टीजमेंट डेटेड सच एंड सच शैल रिमेन स्टेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लुकिंग टू फैक्ट दैट द महानिदेशक द पुलिस इंस्पेक्टर जनरल कौन होता है ये महानिदेशक महानिदेशक कौन है? डीजी ने किया रिस्पॉन्डेंट नंबर 2। रेस्पॉन्ड नंबर 2 हैज फ्रेम्ड रूल्स एक्सटेंडिंग बेनिफिट टू पुलिस ऑफिशियल्स ओनली, एक्सटेंडिंग रिलैक्सेशन टू द पुअर टू द चिल्ड्रन ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स ओनली, देयरफॉर द सिलेक्शन प्रोसेस पर्सुएंट टू एडवर्टीजमेंट डेटेड सच एंड सच शैल रिमेन स्टेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। पूरा स्टे कर दिए हैं, रहने दीजिए मैडम, गलत जब तक सही आप नहीं करेंगे किसी को नहीं मिलेगा, सबके लिए बराबर यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपके इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स में, देन आई विल परमिट। ऐसा नहीं कर सकते पिक एंड चूज कि आप ए को देंगे रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, बी को नहीं देंगे, सी को देंगे जो पुलिस के बच्चे हैं उनको दे देंगे, बड़े ऑफिसर्स के बच्चे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो गरीब लोग हैं जो लोग कहीं पे अप्रोच नहीं है जिनके पास उनको आप नहीं देंगे रिलैक्सेशन। क्यों नहीं देंगे? आप यूनिफॉर्मिटी रखिए, मतलब किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब उनके पास समस्या यह है कि दे कांट अप्रोच, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, ये तो गलती से आ गए। हमको माय ओनली सबमिशन इज इट इज नॉट हिज केस कि बाकियों को दिया है, मुझे उससे नहीं लगता लेना देना कि नहीं है ही मैडम कि क्या है केस नहीं। आप ऐसा नियम बना ही नहीं सकते। हम उस एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 226 आई विल क्वेश्चन द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग दैट सर्कुलर व्हिच हैज बीन इशूड बाय योर पुलिस महानिदेशक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, हम आंख बंद करके देखते रहे, आप कुछ भी करिए। स्टे कर दिया है हमने, ठीक है आपको देखते हैं, कल के लिए टाइम दे दिया था हमने आपके कहने पे, सॉरी स्टे कर दिया हमने। मिस्टर रवि भगत फॉर पिटिशनर, मिस सेल्जा शुक्ला फॉर स्टेट।
प्रॉब्लम वो जब आपके पास आ है। जाएगा जवाब तो मेंशन कर लीजिएगा, अभी हमने स्टे कर दिया किसी बिना डेट के, या आपको ही बताइए कब तक कर देंगे, उस तारीख को कर देते हैं। पास कितने दिन आउट में कर देंगे? विद या इन वीक, वीक आफ्टर नेक्स्ट। वीक आफ्टर नेक्स्ट द रिक्वेस्ट ऑफ, स्टे तो रहने दीजिएगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस शुक्ला कॉल दिस मैटर इन द वीक आफ्टर नेक्स्ट। स्टे तो रहेगा, वो तो पता नहीं कब तक चलेगा, हमको नहीं पता, जब तक हम सर, जब तक आप इस तरह के सर्कुलर जो है ना, इनको अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक स्टे रहेगा। जिस दिन आप लेंगे उसको, हमने वापस ले लिया है तो हम वेकेट कर देंगे स्टे ऑर्डर, इनका पिटीशन भी डिसमिस कर देंगे। माय लॉर्ड, दे आर ऑल्सो रनिंग कॉन्ट्रेरी टू दी डिक्टम पास्ड इन तेज प्रकाश पाठक माय लॉर्ड फाइव जजेस बेंच कि मिडवे इफ दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज स्टार्टेड दे कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ गेम अनलेस द रूल्स प्रोवाइड। तो चलिए देखेंगे। सीआर नंबर 15 पास ओवर केस मिस्टर भास्कर प्यासे स्टेट 15 सेवन।